गुड मॉर्निंग लक्ष्मीदीप। आज है लक्ष्मीदीप में हमारा तीसरा दिन है ना चंदन। आज हम लोग जा रहे हैं मिनी कॉयर, रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी हम लोग को बोला गया है नीचे आने के लिए लाइफ जैकेट के साथ। चलो निको आइलैंड में हम सबसे पहले आए हैं लाइट हाउस में, जहाँ पे एंट्री फ्री है। बट अगर आपके पास कैमरा है और आप वहाँ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने वाले हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हमें स्टेयर से ही 272 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? 85 प्लस के अंकल चढ़ गए हैं यहाँ पे ऐसा स्टेयर में। हम लोग नहीं अगर चढ़ पाए तो इसी से ही से जंप मारेंगे। वाओ, क्या व्यू है, चारों तरफ कोकोनट ट्री। जबरदस्त व्यू है यार यहाँ से, जबरदस्त लाइट हाउस से पूरा आइलैंड नजर आ रहा है, पूरा आइलैंड यहाँ से। यहाँ से बस रोप वे करा दे बीच तक, छोड़ दे सीधे पानी में। ये एक्टिविटी में मजा आएगा। अंकल अब बताइए। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको ये मिनी कॉयर में आके लाइट हाउस में, और इतने सारे कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं, जंगल ही लग रहा है कि बिल्कुल जंगल है। इंडियन ओशन सामने दिखाई दे रहा है, सोलर प्लांट है यहाँ पे, कुछ लग्जरी हाउसेस भी हैं वहाँ। हवा भी बहुत चल रही है तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, पर बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। पहले तो आप मेरे को अंकल बोलना मना कर दे रहे हो। अगर मैं अंकल होता तो इतना ऊपर नहीं चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप इतनी यंग एज में इतना घूमते हैं और हमारी उम्र तक घूमते रहे, हमारा ही आपको आशीर्वाद है। थैंक यू। अब नाउ अबाउट नाउ अबाउट मिनी कॉय, आई थिंक दिस सीम्स टू बी वेरी स्प्लेंडेड व्यू फ्रॉम हियर एंड लाइट हाउस, इट इज वर्थ विजिटिंग एंड वी कैन सी ग्रीनरी ऑफ द कोकोनट प्लांटेशन, और मे बी वी कैन कॉल इट फॉरेस्ट ऑफ कोकोनट ट्रीज। एंड लाइक माई फ्रेंड जस्ट नाउ सेड, देयर इज अ सोलर पार्क देयर, लग्जरी रिजॉर्ट व्हिच हैज अ लगून बिहाइंड इट। So I think this place is worth visiting. It's as good as Maldives. So I think there's no need to spend money overseas. Spend whole lot of money within your country. Thank you very much and God bless you. घर में सब दीदी बोलते हैं इसको। हाँ दीदी। This is really worth visiting, but you must have stamina to climb at least 250 steps. So those who can have the ability to climb so many stairs only should come here. Otherwise that it's very beautiful. Or maybe beautiful. You suggest that they should have a lift installed here, yeah, so that everybody can visit. I don't think or maybe they can create a similar kind of a watchtower around the city, so that way people may really like the beauty of this place. All the best, God bless you both. Bye bye. Thank you. Ye light house ye mahapurush ne banaya tha. Inka naam hai James Nicholas Douglas. लक्ष्मीद्वीप, यहाँ पे हर ग्लास, हर प्लेट, हर चम्मच, हर चीज में लक्ष्मीद्वीप लिखा हुआ है। और चंदन क्या कर रहे हो? कैमरा सेटअप कर रहे हैं। फोटो शूट की तैयारी? yes. यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का प्री वेडिंग शूट चल रहा है। जाके हम लोग ट्राइपॉड लगा लेते हैं तो लोग यही समझेंगे ना। ये चेंजिंग रूम है। मस्त लगा नी रेड यार, और मधु का वीडियो तो मुझे लगता सबसे बढ़िया बना होगा। मधु तो हाथ भी छोड़ दी थी पूरा।
छोड़ के ऐसे ऐसे कर रही थी नींद में, डरने लगता है मतलब इसका आज भी कम वीडियो सब क्लैप कर रहे थे, बहुत अच्छा की। चलो धक्का दो, धक्का दो, दम नहीं है, खाने दे रहे क्या शिप वाले। अभी हम लोग कर रहे हैं डबल कायाकिंग, ये अभी हम लोग जाएंगे बहुत दूर, सबसे दूर निकल जाएंगे, दुनिया से दूर चले जाएंगे, दुनिया का मोह माया झमेला से दूर चले जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए बस पानी समुद्र। हम लोग कल कायाकिंग कर चुके थे और आज फिर से कर रहे हैं। आज फ्री है। ये। प्यार की कश्ती में नहीं है सर, पूरा दिखाओ ना, पूरा नहीं दिखा रही है, कश्ती नहीं दिख रहा, प्यार दिख रहा है सब कश्ती। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था 3:30 सब लोग को विलेज टूर पे जाना है, ऑलमोस्ट 4 बजने वाला और हम लोग यहीं पे पड़े हुए, जाने का मन नहीं कर रहा हम लोग को। हम लोग का प्लान है कि जब तक हम लोग को धक्का मार के नहीं निकाले तब तक पूरे यहाँ से जाने नहीं मार। एक्चुअली बहुत लोग हैं तो हम लोग सबसे लास्ट शिप में जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना लक्षद्वीप में कि घूमने के साथ साथ हम लोग रिलैक्स भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ घूमना वहाँ घूमना सारा दिन इसी में निकल गया, एक आइलैंड पे है घूम रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं, फिर कहीं दूसरे दिन दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं वहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। लक्षद्वीप रॉक्स, ये ट्रिप हम लोग का बहुत ही मजेदार है, बहुत ही यादगार रहा ये ट्रिप हम लोग का। चलो बहुत हुआ आराम, अब घूमते हैं मिनी कॉय विलेज। कपड़ा यहाँ सुखाए, कहाँ सुखाए थे? ये जो रेस बोट है 70 फीट लंबा 1952 में बनाया गया था। ये है मोगू अप्पम और ये है हारुकु वालुमुरी। हकुरु वालुमुरी, हकुरु वालुमुरी, यस, हकुरु मीन्स शुगर। और ये वालुमुरी, वालुमुरी मीन्स वो तवा है ना, तवा, तवा में वो फ्राई किया हुआ है, नारियल का मलाई और उसका पेस्ट वो सब बना के फ्राई किया हुआ है। मिनिकॉय में 11 विलेजेस है, लक्षद्वीप में मिनिकॉय सबसे लंबा आइलैंड है, इसे 10.6 किलोमीटर लॉन्ग है और यहाँ का लैंग्वेज जो है महल, MAHL महल, सेम एज टू मालदीव्स लैंग्वेज। हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट विलेज हाउस, ये सबसे ओल्ड विलेज हाउस है। ये विलेज हाउस बना था 1701 में, तो हर एक विलेज में एक मूपन होता है, मूपन इज द हेड ऑफ द विलेज और मोपति फ्रॉम लेडीज से। और यहाँ पे बस समझो किसी का घर पे कुछ भी काम है, शादी है तो घर में जगह नहीं तो इधर आके रिसेप्शन करते हैं और ये विलेज का सब उसमें शामिल होंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और यहाँ पे शादी करके लड़का लड़की की तरफ जाते हैं, लड़का लड़की के साइड जाता, वाओ। और शादी का पूरा खर्चा लड़का करते हैं। 78% ऑफ जेंट्स दे वर्क इन द शिप, बाकी जो लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं और फिशरमैन भी मछली पकड़ते हैं। और यहाँ पे दो फेस्टिवल है, ईद फेस्टिवल, नेशनल मिनिको फेस्ट। नेशनल मिनिको फेस्ट में ये जो 11 विलेज के बीच में बोट रेस का कॉम्पिटिशन, यही होगा, ये जो बोट है अभी तक तो हम लोग 2G में चल रहा है, आप लोग तो 4-5G में चल रहा है। तो आज हमारा लास्ट डे है बीच में और आइलैंड में, बहुत मिस करेंगे ना, बहुत मिस करेंगे यार, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। 8-9 बजे हम लोग की शिप खुल जाएगी वापस कोची जाने के लिए। ट्रिप एंड्स हियर, नहीं जाना यहाँ से, ट्रक लोड ऑफ मेमोरीज वी आर गोइंग विद। ट्रिप खत्म हो गया, कहाँ आ गए?
ये है अपना रूम, आगे कहाँ चल दिया था? अच्छा होश नहीं था, ट्रिप खत्म का दुख था। चलो खोलो। ट्रिप खत्म हो गया, हम लोग वापस आ गए, बर्बाद हो गए हम लोग, कल से क्या करेंगे। ओह माय गॉड, फिर से वही जिंदगी, फिर से वही बेंगलोर का ट्रैफिक। अरे यार क्यों खत्म हो गया ट्रिप यार। नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे लक्षद्वीप। और ये ट्रिप खत्म होने से पहले हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, जिसमें स्टे करते हैं लोग सिर्फ 10 आइलैंड में, और टूरिस्ट के लिए सिर्फ 4 या 5 ही आइलैंड। लक्षद्वीप जाने का सही टाइम होता है सितंबर अक्टूबर से 5 अप्रैल तक। लक्षद्वीप पहुँचने का 2 तरीका है, फ्लाइट और एक बाय रोड। तो अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो अगाती एक ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में अगाती, और सेकंड है बाय शिप जिससे हम लोग आए हैं समुद्रम पैकेज से। ये सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। हम लोग अभी जिस पैकेज में आए हैं समुद्रम पैकेज, ये गवर्नमेंट साइड से स्पोर्ट्स का पैकेज होता है। टोटल खर्च पर पर्सन 40,000 अराउंड, जिसमें 3 टाइम्स मील, मॉर्निंग एंड इवनिंग टी एंड स्नैक्स। अगाती, कल्पेनी और मिनीकॉय, 3 आइलैंड हम लोगों ने कवर किया, मतलब इस पैकेज में यही 3 आइलैंड कवर करते हैं। और एक्टिविटीज, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम, ये तीनों आइलैंड में अगर आप जाएंगे हर एक दिन तो एक एक एक्टिविटीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी आपको अगर स्कूबा डाइविंग करना है या फिर कुछ अलग करना है तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा अलग से। तो हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग मिस कर दिया क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि सिर्फ आगाती में होता है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी मिस कर दिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ बचा होना चाहिए था। और कुछ बताना है? हाँ, टिप्स ये है कि आप जब भी आते हैं लक्षद्वीप तो अपने साथ सनग्लासेस और सनस्क्रीन, ये दो चीज जरूर। अच्छा वाला सनस्क्रीन, सस्ता वाला नहीं। हाँ, यहाँ पे कैश ही चलता है तो अपने साथ कैश रखे, यहाँ नेटवर्क नहीं होता है। BSNL और एयरटेल, एयरटेल का भी सब जगह नेटवर्क नहीं। जियो वाला तो एकदम समान भरोसे एकदम आएगा नहीं। और बात की प्रोसेसिंग यहाँ पर बहुत ही स्मूथ है, आपका नाम का यहाँ पर बोर्डिंग पास रहेगा, नाम से आपको मिल जाएगा बोर्डिंग पास, लीजिए बैग स्कैन कराइए, बस से आप पोर्ट के पास आ जाएंगे। अभी लॉग यहीं पे एंड करते हैं, वापस कोची जा रहे हैं, 1-2 घंटे में हम लोग कोची पहुंच जाएंगे। हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत लोग हम लोग को बोल भी आया था, अरे तुम लोग इतने पैसे में, तुम लोग लक्षद्वीप क्यों जा रहे हो, इतने पैसे में तो तुम लोग मालदीव्स भी जा सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो, बट ना ना, लक्षद्वीप इज लक्षद्वीप। हाँ लक्षद्वीप अलग था, नहीं शिप से आना, पूरा चारों दिन यहाँ पर रहना, आइलैंड में एंजॉय करना, फिर वापस आना, अलग ही अलग एक्सपीरियंस। और एक और बात यहाँ पर है कि मतलब जितने टूरिस्ट आए उसमें अराउंड मोर देन 50% थोड़े मतलब मिडिल एज और ओल्ड, 70% मिडिल एज ओल्ड से आए, तो उन लोगों को देख के भी बहुत अच्छा लगा कि उन लोग इस एज में आके आराम से घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कोई भी एक्टिविटी छोड़ा है, हर एक्टिविटी किया उन लोगों ने। हम लोग इतने जगह अभी तक गए हैं घूमने के लिए, बट उन लोग के बात करने का तरीका और यहाँ के लिए उन लोगों का बात करने, मतलब उन लोग बात करने के तरीके पता चला था कि यहाँ वो फॉर्मेलिटी है, बट यहाँ पे लगता है कि नहीं ये लोग ऐसे ही ऐसे है, दिल से जो भी करे दिल से करे। चलो बाय बाय। चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते कहाँ जाना अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।